इसी बीच अलवर जिले की 6 नगर पालिकाओं में शुक्रवार को मतदान है, तो वहीं मतदान से पहले आज कला महाविद्यालय से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान सभी को प्रशासन की ओर से निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ननुमल पहाड़िया ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ तिजारा नगर पालिका के चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। क्षेत्र में कल नगर पालिका के चुनाव प्रस्तावित हैं, उसके मद्देनजर रखते एक व्यापक पुलिस प्रबंधन किया गया है। हमारे यहाँ कुल 25 वार्ड हैं और 25 वार्डों में सभी प्रत्येक बूथ पर दो दो पुलिसकर्मी, महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, प्रत्येक बूथ पे दो दो कांस्टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए हमने दो दो प्रत्येक पर एक होमगार्ड लगाया गया है। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर, प्रत्येक बूथ पर हमने मुख्य गेट पर 3 पुलिसकर्मियों का जाब्ता डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा जो अति संवेदनशील बूथ है हमारे, वहां पर हमने 1-4 का RAC की जाब्ता लगाया, जिसमें 2 राइफल गार्ड भी सम्मिलित है। इसके अलावा 4 मोबाइल पार्टियां गठित की गई है, रिजर्व जाब्ता है, तो व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए। मैं समझता हूँ पुलिस का बहुत ही अच्छा और व्यापक बंदोबस्त रहेगा और निर्भय रूप से लोग अपना मतदान कर पाएंगे। 6 नगर पालिकाओं में हमारा मतदान का कार्यक्रम है। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए आज हमारे मतदान दल सेक्टर मजिस्ट्रेट और उन्हीं के साथ साथ पीठासीन अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। 2 फेजेज में हम उनको रवाना कर रहे हैं। हमारा बहुत स्पष्ट से हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विधानसभाओं में मतदान की प्रक्रिया फेयर, फ्री और इम्पार्शियल रूप से हो। किसी भी व्यक्ति को मत का उपयोग करने से रोका नहीं जाए। हमने इसके लिए पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हुई है। हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट और इसी के साथ साथ एरिया मजिस्ट्रेट हमने नियुक्त कर दिए हैं।